हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी। देखिए, इसको एक नॉर्मल लाइफ में यूज के हिसाब से आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि हमने अगर एरोप्लेन या फिर फ्लाइट की है तो वो क्यों करते हैं हम, ताकि हम समय बचा सकें, है ना, ताकि हम समय बचा सकें। बट कई बार क्या होता है कि हमने वहां पे तो समय बचा लिया, ट्रैवल टाइम तो हमने बचा लिया, बट जब हम एयरपोर्ट के अंदर इंटर करते हैं और जब वो एक्चुअली में टेक ऑफ करती है, तो वहां पे ही हमारा 2 से 3 घंटे वहां पे निकल जाते हैं। ये सिर्फ पैसेंजर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो भी एयरपोर्ट को यूज कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ग्राउंड का एक्सेस टाइम क्या है, जितना कम से कम हो वो बहुत जरूरी है। जैसे आपने ये फैक्टर है ना, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी, कितना एक्सेस हम कर सकते हैं ग्राउंड को। देखो, ये तो बहुत ही बड़ी आयरनी है कि आजकल जेट एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस हो गए, जिसके हेल्प से क्या हुआ, एयर टाइम तो रिड्यूस हो गया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्राउंड में ही जो एक्सेस के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। मतलब हम लोगों को, जैसे हम लोगों की कई बार अगर ट्रैवल करना हो तो हम 1 घंटे पहले, सपोज मेरी 10 बजे है तो मुझे 9 बजे एयरपोर्ट में पहुंचना है, और 9 बजे अगर पहुंचना है तो मुझे अपने घर से 7:30 या 8 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट जनरली सिटी से थोड़े दूर भी होते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड, मतलब हम उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अगेन, ये सिर्फ पैसेंजर की ही बात नहीं है, एम्प्लॉयज़ की भी बात है, विजिटर्स की भी बात है, और जो भी लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो हमें यहाँ पे मेन काम क्या है कि हमें डोर टू डोर टाइम को कहीं ना कहीं अहमियत देनी पड़ेगी, समय सबका कीमती है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होएगा, भले हम इस लोकेशन को कम करके लाएं, भले हम ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ को और तरीके से बढ़ाएं, ताकि अगर मैं, मेरी अगर 10 बजे की अगर फ्लाइट है तो मुझे अपने घर से 7:30 बजे ना निकलना पड़े, और अगर मैं 8 बजे या 8:30 बजे निकल रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली जब वहाँ पहुँचूँ तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकूँ, है ना। तो ये ग्राउंड का एक्सेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि साइट के सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।